हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर नेक्स्ट सेशन। और हम अभी आगे के प्रॉब्लम देखते हैं। देखो क्या दिया है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अ स्फेरिकल सैटेलाइट इज वी। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अ स्फेरिकल सैटेलाइट, एक सैटेलाइट है जिसका शेप स्फेरिकल है, एक सैटेलाइट है जिसका शेप स्फेरिकल है, वहां से एस्केप वेलोसिटी वी है। नाउ आगे क्वेश्चन क्या है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अनदर सैटेलाइट ऑफ डबल द रेडियस एंड हाफ द मीन डेंसिटी। जिसका देखो मेरे पास सैटेलाइट नंबर वन है और सैटेलाइट नंबर टू है। सैटेलाइट नंबर वन का रेडियस आर है और डेंसिटी रो लेता हूं मैं, ओके okay? तो एस्केप वेलोसिटी यहां पर वी वन है यहां से। नाउ द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अनदर सैटेलाइट ऑफ डबल द रेडियस, इसका रेडियस क्या है, डबल है, एंड एंड हाफ द मीन डेंसिटी। मीन डेंसिटी जो है इसके हाफ है, यानी डेंसिटी बाय टू है, तो एस्केप वेलोसिटी क्या होगी। तो मुझे वी वन बाय वी टू चाहिए और एस्केप वेलोसिटी जो है वो इन टर्म्स ऑफ मुझे रेडियस और डेंसिटी चाहिए, ओके okay? तो कैसे करेंगे, देखो मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं। तो बच्चों देखो इसका सॉल्यूशन, मुझे एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, अंडर रूट टू जीएम बाय आर। अब यहां स्ट्रिक्टली मुझे पूछा गया है कि मास जो है, मास के बारे में कुछ बोला नहीं, यहां पर डेंसिटी दी है और रेडियस दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, ये जो मास है ना, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी मेरा रो और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, सब्स्टिट्यूट किया और कैंसिल आउट करके मुझे फॉर्मूला मिला अंडर रूट 8/3 जी पाई आर स्क्वायर इंटू रो। ये फॉर्मूला मिला एस्केप वेलोसिटी का। नाउ मैंने वी टू बाई वी वन, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम प्लैनेट टू फ्रॉम प्लैनेट या सैटेलाइट टू अपॉन एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सैटेलाइट वन, उनका रेशियो लिया। अब यहां पर वी टू सेकेंड प्लैनेट के लिए रेडियस ट्वाइस है और डेंसिटी मेरा हाफ है, सब्स्टिट्यूट किया कैंसिल आउट किया, आई गॉट द आंसर रूट टू। तो मुझे क्या मिला, वी टू बाय वी वन, देखो वी टू बाय वी वन इज रूट टू, यानी वी टू इज रूट टू टाइम्स वी वन, और वी वन जो है मेरा वो एस्केप वेलोसिटी है फ्रॉम प्लैनेट वन वी, ओके तो रूट टू टाइम्स वी मेरा आंसर हो गया। लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। अब देखो बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है, अ प्लैनेट हैज ट्वाइस द रेडियस, रेडियस कितना है टू टाइम्स ऑफ द अर्थ। तो यहां पर हम प्लैनेट और अर्थ, अ प्लैनेट हैज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ, अगर यहां पर आर है तो यहां पर ट्वाइस आर है, बट द मीन डेंसिटी इज 1/4 एज कंपेयर टू अर्थ। तो डेंसिटी जो है वो 1/4 है एज कंपेयर टू अर्थ। नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ टू दैट ऑफ द प्लैनेट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ, पहले अर्थ है फिर प्लैनेट, ठीक है। तो मुझे पूछा है VE बाय VP, ओके VE बाय VP, देखो कैसे करेंगे। बच्चों देखो प्रीवियस प्रॉब्लम जैसा ही है, इसके वेलोसिटी अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर, मास की जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है, वॉल्यूम टू डेंसिटी पुट किया, करने के बाद मुझे 8/3 जी पाई इंटू आर स्क्वायर रो, ये फॉर्मूला मिला। ये 8/3 जी पाई कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूं वी ई इज प्रोपोर्शनल टू आर अंडर रूट रो, सिंपल फॉर्मूला मुझे मिल गया। तो वी ई बाय वी पी वैल्यू पुट करके रेशियो लिया, मुझे दिया है कि डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज 1/4 ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ और रेडियस इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, दोनों वैल्यू पुट की मुझे रेशियो मिला 1:1, ओके ये इसका सॉल्यूशन हो गया। लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। बच्चों अगला प्रॉब्लम देखो क्या दिया है, इफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट ऑफ अ बॉडी ऑन अ प्लैनेट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू यू एंड द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द सेम बॉडी इज वीई, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन अ प्लैनेट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू यू। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर यू है तो यू का फॉर्मूला माइनस जी एम एम अपॉन आर है, और एस्केप वेलोसिटी ऑफ द सेम बॉडी, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरे पास है अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर, ये दो फॉर्मूले हैं।
तो यहां पर मुझे यू बाई वी ई पूछा है, यू बाई वी ई। अब यहां पर कहीं माइनस सिंबल का इस्तेमाल नहीं है आंसर में, तो थोड़ी देर के लिए माइनस को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब यू बाई वी का रेशियो में निकाल के बताता हूं, देखो तो स्टूडेंट्स देखो मैंने यू बाई वी का रेशियो निकाला, यू जीएमएम बाय आर और वी अंडर रूट टू जीएम बाय आर। ये टर्म को मैंने ऊपर लेके गया, इनवर्स किया इसका, उल्टा किया, अंडर रूट आर बाय ट्वाइस जीएम करने के बाद ये एम जो है इसको बाहर रखा, ये एम को इधर रखा बाहर, और इस टर्म को रूट के अंदर लिया, जी स्क्वायर कैपिटल एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ले लिया मैंने। और लेने के बाद क्या क्या यहां पर, ये आर स्क्वायर आर जी स्क्वायर एम स्क्वायर और जी एम कैंसिल आउट हो गया, ब्रैकेट में क्या बचा मेरे पास, एम इजल टू अंडर एम इन टू अंडर रूट जी एम बाय ट्वाइस आर। ओके इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। हम हमारे अगले प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास एम इज टू बी मूव्ड टू इंफिनिटी, इंफिनिटी से ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ मुझे लाना है। इफ आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ देन द काइनेटिक एनर्जी दैट शुड बी इंपार्टेड टू द बॉडी इज, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट कितनी करेंगे उसको, ठीक है, मुझे फॉर्मूला निकालना है कैसे करेंगे देखते। देखो क्वेश्चन वापिस देखो, अ बॉडी ऑफ मास एम इज टू बी मूव्ड टू इंफिनिटी फ्रॉम अर्थ सर्फेस, और तो सर्फेस से उसको बाहर फेंकना है, इंफिनिटी से वापिस नहीं लाना है, सॉरी, तो अर्थ सर्फेस से ऊपर फेंकना है, मतलब क्या होगा, मुझे उसको ऊपर देनी है, काइनेटिक एनर्जी देनी है ना, तो उसको मुझे फेंकना है अर्थ सर्फेस से बाहर, तो मुझे उसको एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी। अब यहां बोला है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी ई स्क्वायर, तो बाहर फेंकने के लिए जो वेलोसिटी लगेगी वो एस्केप वेलोसिटी है, या इस इक्वेशन पुट करके ये डेरिवेशन लाके दिखाता हूं मैं आपको, देखो ये डेरिवेशन, ये आएगा आंसर। देखो बच्चों मैंने कैसे बोला था आएगा, क्या है हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी मेरी एस्केप वेलोसिटी है अंडर रूट टू जी एम बाय आर, रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होकर मुझे ये मिलेगा, यहां देखो ये टू और टू कैंसिल आउट हो रहा है, बचा क्या एम जी एम बाय आर, जी एम की जगह मैंने जी आर स्क्वायर पुट किया, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में मैंने लिखा इसको, लिखने के बाद ये आर और ये आर कैंसिल हुआ एम जी आर, ये आंसर मुझे मिला। ओके तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ, लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन। तो बच्चों देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ सैटेलाइट एस इज मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है ऐसा, द मास ऑफ सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द मास ऑफ अर्थ, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड, नहीं गलत है ये नहीं होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट या सैटेलाइट वेरीज पीरियोडिकली विद टाइम, ये भी गलत है, द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ चेंजेस इट्स डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, एंगुलर मोमेंटम एंगुलर क्वांटिटीज का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होता है, वो डायरेक्शन चेंज नहीं होता, बट मैग्नीट्यूड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये गलत है। दूसरा देखो बच्चों मैं पहले ऑप्शंस रीड कर रहा हूं, मोस्ट करेक्ट कौन सा लग रहा है, देखो द एक्सेलरेशन ऑफ एस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, अब जब भी कोई पार्टिकल ऐसा घूमेगा तो सेंटर की तरफ समबडी इज पुलिंग दैट पार्ट दैट सैटेलाइट टुवर्ड द सेंटर, तो हमको सर्कुलर मोशन में पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, यानी सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा, तो द एक्सेलरेशन ऑफ सैटेलाइट एस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। ओके लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम, बच्चों देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास एज, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर, यहां कहीं मुझे दिख रहा है क्या मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी दिख रहा है यहां पर, नहीं दिख रहा है मुझे, इसका मतलब यह कि एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम टू द पावर जीरो। ओके ठीक है लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम, आप देखो बच्चों फॉर अ सैटेलाइट द एस्केप वेलोसिटी इज 11 किलोमीटर पर सेकंड, इफ द सैटेलाइट इज लॉन्च एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल, ठीक है वर्टिकल से 30 डिग्री बनाते हुए अर्थ सर्फेस से लॉन्च किया, देन द एस्केप वेलोसिटी विल बिकम, तो बच्चों एक चीज ध्यान रखो एस्केप वेलोसिटी एंगल पे डिपेंड नहीं करती है, एस्केप वेलोसिटी क्यों एंगल पे डिपेंड नहीं करती है, देखो अर्थ सर्फेस से मुझे इस रॉकेट को, ठीक है
ऊपर भेजना है अगर, तो मुझे इसको काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये अर्थ से नीचे की तरफ बाउंडेड है विद बाइंडिंग एनर्जी। दिस बाइंडिंग एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। देखो मैं यहां लिख रहा हूं, टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मुझे काइनेटिक एनर्जी अगर रेस्ट पर है तो काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं इसके पास, जीरो है, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन आर, तो माइनस आया, तो बाइंडिंग एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ये जो टोटल एनर्जी मुझे मिली, ये वाले, दिस इज टोटल एनर्जी, इसका माइनस करो यानी जी एम एम बाय आर, तो मुझे क्या मिला, जी एम एम अपॉन आर इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी हो गई मेरी, ये इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, ये मास, ये स्मॉल एम, इस स्मॉल एम को ऊपर फेंकना है मुझे, तो हाफ एम वी स्क्वायर। अब कौन सी वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से इसको बाहर फेंकना है, वापस नहीं आना चाहिए, तो एस्केप वेलोसिटी, तो यहां से मुझे एम एम कैंसिल हो गया, क्या मिला, एस्केप वेलोसिटी, ये टू इधर जाएगा, टू जी एम बाय आर और उसका रूट, तो अंडर रूट टू जी एम बाय आर। तो यहां पर यह एंगल पर डिपेंड ही नहीं करता, जस्ट डिपेंड, तुमने ये वेलोसिटी से फेंक दिया 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका, वो वापस नहीं आने वाला। ओके ठीक है, लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया है, दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी, इफ अ बॉडी ऑफ मास एम इज रेज्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ टू हाइट इक्वल टू आर रेडियस, देन द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय। अब मुझे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, क्या निकालना है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना गेन हुआ, तो अर्थ के सेंटर से वो कितने पोटेंशियल पे था, ठीक है, तो गेन यानी क्या है, बड़ी भी मैं पहले यहां पर था, ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी थी, बाद में ये हो गई, तो इसमें से इसको माइनस करो, यू विल गेट द आंसर। ओके तो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है तो बच्चों देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस माइनस जी एम एम बाय आर, पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एच, हाइट एच, हाइट एच क्या बोला यहां पर, हाइट इज इक्वल टू रेडियस गिवन है, तो एच इक्वल टू आर किया मैंने, और एच की जगह आर पुट किया, तो मुझे एट हाइट एच पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय टू आर मिल गई। मिलने के बाद मैंने क्या किया, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी यानी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस जी एम एम बाय ट्वाइस आर था, माइनस माइनस जी एम एम बाय आर, इससे मुझे मिल गया जी एम एम बाय आर। अब यहां पर क्वेश्चन में कहीं पे एक्सेलरेशन, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट तो है नहीं, तो मुझे जीएम की जगह जी आर स्क्वायर पुट करना पड़ेगा, आर आर कैंसिल एम जी आर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। बच्चों देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, देन द हाइट अप टू विच इट राइजेस इज। तो सैटेलाइट को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, नाउ इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, ठीक है, हाफ ऑफ, ये देखो वर्ड, देखो हाफ ऑफ इट्स मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स, तो क्या हो जाएगा, मतलब क्या है, द हाइट अप टू विच इट राइजेस, तो कितने हाइट पर वो राइज किया, एक पॉइंट होगा, सैटेलाइट को ऊपर प्रोजेक्ट किया या सैटेलाइट या बॉडी को प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अब जैसे जैसे ऊपर जा रहा है इस वक्त पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो ये एनर्जी से उसको अर्थ सरफेस से एस्केप होना है, और एट हाइट एच यहां की एनर्जी क्या हो गई, हाफ ऑफ दिस एनर्जी हो गई, तो ये दिया हुआ है, तो कौन से हाइट पे हुआ मुझे निकालना है, तो ये ऑन अर्थ सरफेस है और ये एट दैट हाइट है एच, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम देखेंगे। ठीक है तो बच्चों देखो, अब हमने कंडीशन समझ ली, अब आगे देखते हैं आगे कैसा है, अब जब यहां से इसको प्रोजेक्ट किया तो एक पर्टिकुलर हाइट पर
उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ ऑफ इनिशियल एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, हाफ ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, ये उसकी एनर्जी हो गई यहां पर। अब उसने एनर्जी कितना गेन किया, दिस गेन इन एनर्जी, या जितना काइनेटिक एनर्जी उसने लॉस किया, वो काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा, ठीक है। तो इतनी एनर्जी उसकी लॉस हो गई एक तरीके से, ठीक है। पहले क्या थी उसकी, हाफ एम वी स्क्वायर थी, और अब इतनी हो गई है, तो इतनी एनर्जी उसने लॉस कर दिया, दिस इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ओके। अब क्या हुआ, वो यहां से यहां पर आया, तो वो एनर्जी गई कहां, काइनेटिक एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड हो गई, यानी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी, दिस लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जीएम एम बाय ट्वाइस आर जो हमने यहां निकाली है, दिस ये गिवन कंडीशन जो निकाला है, दिस इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल या गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी देखो हाईएस्ट, यहां पर हाईएस्ट होगी जब वो थ्रो करेंगे हम उसको, बाद में धीरे धीरे कम कम होते होते वो एस्केप हो जाएगी, ठीक है। यहां पर मैक्सिमम होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कम कम होते होते यहां तक जाएगी, तो वो लॉस हुई काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमने निकाल लिए ये, और वो कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में, मतलब ये यहां का पोटेंशियल एनर्जी माइनस यहां का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस जीएमएम बाय आर प्लस एच माइनस ग्राउंड पे जो था जीएमएम बाय आर विद माइनस सिंबल, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये, इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा 1 बाय ट्वाइस आर इक्वल टू माइनस 1 बाय आर प्लस एच प्लस 1 बाय आर। टर्म्स को रीअरेंज करो तो तुमको मिल जाएगा कि हाइट इज इक्वल टू आर, ये मिल जाएगा, ओके। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते, देखो बच्चों क्वेश्चन चैप्टर बहुत सिंपल है, पर क्वेश्चन में टिपिकल है, क्वेश्चन यहां पर दिया है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, तो ये वर्ड, और उसने बोला है हाइट निकालो, हाइट निकालो मतलब ये कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं हम लोग। बच्चों क्या दिया हुआ है, डब्ल्यू इज द वेट ऑफ मैन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, सर्फेस ऑफ अर्थ पे उसका वेट डब्ल्यू था, और वॉट वुड बी इट्स वेट इफ ही गोज टू अ हाइट एच इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। बच्चों ये बहुत ही बढ़िया, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेट, वेट क्या पूछा है, वॉट वुड बी इट्स वेट इफ ही गोज एट हाइट एच, मतलब हाइट एच पे मुझे वेट निकालना है, तो क्या करूंगा, देखो तो बच्चों देखो सॉल्यूशन मुझे दिया है कि हाइट इक्वल टू रेडियस, बस इतना दिया है, हाइट एच इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ इतना दिया हुआ है, डब्ल्यू इज वेट ऑन अर्थ, और डब्ल्यू डैश जो है वो वेट मुझे बताना है, तो डब्ल्यू डैश बाय डब्ल्यू का रेशियो लिया, वेट मतलब एम जी, तो एम जी डैश बाय एम जी, एम एम कैंसिल हो गया, मास, मास तो तुम सिर्फ वो ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हो ना, मास नहीं बदलने वाला, मास यानी क्या एक्चुअल कंटेंट ऑफ द बॉडी वो चेंज नहीं होगा, तो जी डैश बाय जी, जी डैश इज एट हाइट एच, और आर पर है, रेशियो लिया ठीक है, आर बाय आर प्लस एच, हाइट मुझे आर दिया हुआ है, तो क्या हो गया इसमें आर आर कैंसिल किया और मुझे 1 बाय 2 मिल गया, तो डब्ल्यू इज डब्ल्यू बाय 2, ये मेरा आंसर हो गया, डब्ल्यू डैश इज डब्ल्यू बाय 2, ओके। लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द हाइट ऑफ द पॉइंट वर्टिकली अबव द अर्थ सर्फेस ऑफ विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट हाइट बिकम्स 1% ऑफ इट्स वैल्यू एट द सर्फेस ऑफ अर्थ, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट विल बिकम 1%, यानी 1/100 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ये मुझे गिवन है, यानी क्या दिया है, इसको मैं लेता हूं जी ई बाय जी एच, जी ई बाय जी एच इज 100, ये 100 इधर लेता हूं, तो ये मुझे गिवन है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, मेरे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है, मैं सॉल्यूशन लिख के बताता हूं, देखो तो बच्चों देखो क्वेश्चन में मुझे कहते हैं, मुझे पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीएम अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो क्या किया मैंने, जी ई इज जी ई बाय जी एच का रेशियो लिया, तो जी एच यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच, तो क्या हो जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर ऊपर आएगा और आर स्क्वायर नीचे आएगा, आने के बाद देखो ये हाइट एच है, हाइट एच सेंटर ऑफ अर्थ से है, आर प्लस एच, तो ये आर प्लस एच का स्क्वायर किया, उसके बाद क्या किया जी बाय जी एच में निकाल चुका हूं यहां पर, जी बाय जी एच जो कि 100 दिया हुआ है यहां पर,
गिवन कंडीशन में 100 पुट किया r प्लस एच बाय आर स्क्वायर, स्क्वायर को उधर लेके गया, रूट निकाला, रूट निकालने के बाद सॉल्व किया, मुझे r की वैल्यू मिली, ठीक है, h की वैल्यू मिली 9r। ओके तो यह है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसके आगे के प्रॉब्लम हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, तब तक के लिए बी सेफ, बाय बाय।